उनके सदर साहब ने शुरू की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी टीम को मुबारक पेश करता हूँ आगे के प्रोग्राम के लिए। महितुल्ला को आई मिस्टर के महितुल्ला वेलकम ईच एंड एवरी इनवाइटी ऑल द अवॉर्डीज ऑल द वेलकम इन दिस मेरिटोरियस अवार्ड सेरेमनी। ऑन दिस ओकेशन आई एक्सटेंड हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस to all the students who have achieved the topmost positions and pursuing their studies as a mark of encouragement who want to pursue PhDs, those who want to have their own skills in concerned subject. I think this ceremony will be an inspirational and it will become a motivational for other students also who want to achieve this. And organizers, we should encourage ourselves. And at the outset, I feel delighted, I feel fortunate that I can feel that it's an honor given to me to be a part of this wonderful. Most of the students after SSC, they do not know, they just think only engineering and medicine. They have nothing in their mind. If they did not get it, they are just going to set back, they are going to feel depressed. But here, we are going to organize counseling programs. And here I can say that, one thing I can say that, aim for the moon, aim for the moon. If you miss, at least you will fall among the stars. So our... से तालीम के ताल्लुक से एक इंफानियत रखता और यहाँ के लोग तालीम के मैदान में हमेशा आगे रहे और दुनिया के कोने कोने में पहुँचे हैं। ये बात अलग है कि नलगुंडे के मुकाम पे नहीं रह सके, लेकिन दुनिया की हर मुल्क में हर मुकाम पे नलगुंडे के लोग मिलते हैं। ऐसा ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में और हैदराबाद में सेटल्ड है, बड़े बड़े फील्ड्स पे है, यहाँ वो चीज़ होती है। इसी तरह उसी रस्म को आगे बढ़ाते हैं, उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के नई नस्ल के लोग भी तालीम को अहमियत देते हुए इस प्रोग्राम को लिए हैं, तो आभार है। और इसी तरह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहे हैं MIM के शाह की तरफ से। जब से सदर MIM रज़ियुद्दीन साहब हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेते हैं और ख़ास तौर पे एजुकेशन के ताल्लुक से लेते हैं, तो मुबारकबाद आपको, क्योंकि एक प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी पीछे मेहनत होती है, इतने लोगों को गैदर करना, सर्टिफिकेट्स तैयार करना, एक प्रोग्राम करना, इन तमाम स्टूडेंट्स के एड्रेसेस लेना, एक प्रोग्राम करना कोई मामूली बात नहीं है और बहुत मेहनत होती है, इसलिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के ज़माने में ख़ास तौर पर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो फेस कर रही है, हम लोग जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो तालीम के मैदान में पीछे रह गए, इवन बेसिक एजुकेशन के अंदर ड्रॉप आउट्स का हमेशा कहते हैं, माँ की गोद से लेकर मोहब्बत तालीम इल्म हासिल करना ही है, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे लगुंडे अब्दुल जब्बार साहब और उमर भाई अपनी मसरूफियत और जॉब करते हुए फैमिली को मेंटेन करते हुए
पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं, मेडिकल सीनियर वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएट करने वाले हैं, तो इससे इंस्पिरेशन लेके आने वाले हम सब कम से कम हम इससे नौ का इंस्पिरेशन लेके पीएचडी करने के लिए सोचे, यही हमारे लिए और उनकी पूरी टीम खास तौर पर हौस भाई, हाशम भाई और मलिक साहब और दीगर तमाम हजरात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि इल्म हासिल करना इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम में कहा गया कि इल्म हासिल करो, क्योंकि हुजूर के ऊपर सबसे पहले जो वही नाजिल हुई इकरा बिस्मि रब्बिका, इल्म हासिल करो। आज हम इल्म से बहुत काफ़ी दूर हो चुके हैं। आज ईसाइयों की आबादी के लिहाज से अगर देखा गया तो उनकी आबादी के लिहाज से 80% लोग तालीम याफ्ता हैं, और हिंदुओं की आबादी के लिहाज से देखा गया तो 50 से ज़ायद 55% तक तालीम याफ्ता है। जब मुसलमानों की कुल आबादी के हिसाब में अगर देखा गया तो 20 से 25% लोग तालीम याफ्ता है, जबकि वही हमारे ऊपर नाजिल हुई इल्म हासिल करो, हिंदुस्तान से चीन तक पैदल भी जाना हो तो जाके इल्म हासिल करो, क्योंकि आज हम इल्म का हथियार छोड़ रहे हैं और हमारे ऊपर आज नए नए किस्म के मुजालिम, नए नए किस्म के केसेस, नए नए किस्म की रुकावटें आज पैदा हो रहे हैं। आज इनका मुकाबला करने के लिए हम ये तुलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई करते रहिए, ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे शहर का नाम भी रोशन होगा और कौम और मिल्लत का नाम भी रोशन होगा। शुक्रिया। अहमदुल्लाह बरकातहू। शहनशीन पर मौजूद सदर मजलिस और रुसाए इकराम और हाजरीन मजलिस, सलाम, फिर एक मरतबा वो तमाम को सलाम करता हूँ। मौजूद हजरात, आप तमाम जानते हैं कि मैं जब तक नौकरी करता रहा उस मुलाजिमत में भी कुछ ना कुछ खिदमत करता रहा हमारे दीनी मुसलमान भाइयों के ताल्लुक से और दीनी ताल्लुक से। दो चीज़ें मैं यहाँ जा ठहरा हुआ हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी सब लोगों को मालूम है कि जब जब्बार साहब मोहपुर के चेयरमैन थे तो जब मुझसे मशवरा करके फरीद साहब क्या करना चाहिए तो हमारा तीन प्रपोज करा के एक ईदगाह में, जो ईद के जब लोग आते गैर मुस्लिम आके बैठते वो जगह सही नहीं है, वहाँ एक चबूतरा बनाओ, और जब जब मुरुगरस के दिन यहाँ पे कलेक्टर एस पी ओवर आते ये फतरे नीचे ऊपर है कुर्सियाँ नीचे ऊपर होती ये एक बनाओ, और एक अहमद खाने में एक कम्युनिटी हॉल बनाओ। बोले तो जब्बार भाई वो आपके ईदगाह के मामले में तो मोसेस, सीनियर लीडर्स और मेहमान खुसूसी और आज के दिन के मेरिट होल्डर्स जितने भी मेडिको में, एनआईआईटी में, आईआईटी में और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के ज़रिए हासिल करके आज यहाँ पे मेडल्स और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल करने के लिए यहाँ पर हमारे बुलावे पे आए हैं, उन सबको हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज माशरे में आला तालीम और आला तालीम हासिल कर मुस्तकबिल के तबकात आने वाले जनरेशन्स को एक मिसाल बनने के लिए जो मेरी बहनें और भाई मेहनत करके नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स हासिल करके वो लोग जो अचीव किए हैं वो बहुत ही काबिल-ए-दाद है, उसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम नीट का आजकल चल रहा है, जब से ऑल इंडिया लेवल का हुआ, एमसेट से हटाकर जब से ऑल इंडिया लेवल का हुआ ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। मेरी बेटी भी इसमें शामिल हुई थी, अब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर चल रहा, और मेरी भांजी इस बार फ्री सीट लाई कामारेड्डी में और उसकी मेहनत भी देखा हूँ मैं। और आज यहाँ पर जो बच्चियाँ दूर दूर से आकर अपनी मेहनत के ज़रिए जो मुकाम हासिल करे वो लोग उनकी मेहनत आगे चलकर इंशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में एमडी एमएस में भी वो लोग ज़रूर इसी तरह से लोग कामयाबी और इतने बेहतरीन रैंक से वो लोग हासिल करना बोल के हमारी दुआएं हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें
आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तालीम के हुसूल के लिए कितने जो भी रास्ते पे जाते हैं वो जन्नत का एक रास्ता है। ये हदीस पाक का महफूम है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए न सिर्फ अपनी जाती माशी हालात को सुधार कर, रोजगारी को सुधार कर जिंदगी बसर करना एक मकसद नहीं रहता, बल्कि इंसान अपनी काबिलियत के जरिए कुछ ऐसे नए नए चीज ऐजाद कर सकते हैं, खुसूसन मेडिकल इंडस्ट्री में आज वबाओं को, मुश्किलात को सामना करने के लिए जो दवाओं की जरूरत पड़ती, जो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती वो सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे माशरे के तलबा और तालिबात जब पूरी लगन से दिल लगाकर जब वो लोग तालीम हासिल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी उन वो लोग में रहती है। इंशाल्लाह वो लोग फ्यूचर में इस तरह के रिसर्च करेंगे। खास उसके ख़ास मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह की तालीमी दुनिया में शौर बेदारी, क्योंकि माशरे में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पहले इट वॉज अ प्रिविलेज टू अचीव द हाइएस्ट पोजिशन इन एजुकेशन, बट टुडे इट इज़ आवर राइट। आज ये हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, आला तालीम हासिल करना, हर चीज़ यानी कि अच्छे मुकाम हासिल करना। बड़े बड़े इदारे, तंजीमों, कॉरपोरेट सेक्टर्स, स्कॉलरशिप्स का प्रोविजन दिए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, और उसमें से जीएसके स्कॉलर्स प्रोग्राम बोल के जिसके जरिए 1,00,000 रुपए हर साल मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ये जीएसके स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसकी मैं पूरा मटेरियल हर स्टूडेंट को इंशाल्लाह सप्लाई दूंगा और उसके जरिए आप लोग अप्लाई कर ले सकते हैं। और एक खुसूसन लड़कियों के लिए संतूर वुमेन स्कॉलरशिप है, ये भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके जरिए भी आप लोग अपने अपने स्कॉलर, यानी कि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से स्कॉलरशिप हासिल करें, आप लोग जितने ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप ऑफर होता है हर जगह से आप लोग उसको हासिल करने की लिए अप्लाई कर ले सकते हैं। और एक स्कॉलरशिप है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, ये लोग भी लड़कियों को और लड़कों को पूरे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जो संतूर वुमेंस था वो ओनली स्पेशली फॉर वुमेंस था। और एक है ऑल इंडिया प्री मेडिकल स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कि अब जो फर्स्ट ईयर, तो कहने ये तमाम चीजें तो मैं मटेरियल इंशाल्लाह सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वह बोलने की बात ये थी कि आप लोग जो अचीवमेंट्स किए हैं उसके जरिए इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशन को इंस्पिरेशन रहेगा, माशरे में बहुत सारी तब्दीलियां लाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग बतौर माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के हैसियत से जब कभी भी आप लोग यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को मुश्किल हो, जो जो भी मदद की, मशवरे की, रहनुमाई की जरूरत पड़े तो बिला झिझक आप लोग हमारे को कॉल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर नलगुंडा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग को अगर किसी भी किस्म की यहाँ पे तकलीफ हो तो हमारे को रब्ता करें, हम लोग हमारी टीम ज़रूर आपके कॉलेज में आएंगे, हर चीज़ में आप लोग की मदद करेंगे। जज़ाकअल्लाह व खैर, आप प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सुहाशीन को मैं दावा देता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए, अगर कोई पेरेंट्स साथ में, उस्मानिया मेडिकल, उनको मैं अभी डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेडल पेश किए। उधर से उनको आइए, फैमिली के एक बार फिर एक बार तालियां हो जाए, एनकरेज करने के लिए तालियां की जरूरत है भाई, प्रिय क्लास है ना उसके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची वहाँ तक पहुँच गई इंशाल्लाह।
अब मैं एक फोटो उधर देख मेडल ऐसे मेडल बताओ बेटा ऐसा बताओ बेटा सामने सामने जरा ऊपर तो गांधी मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट आई है ये अपने पेरेंट्स के साथ जमील साहब और प्रोफेसर फहमिदा तबस्सुम मेडल सामने बताओ बेटे प्लीज अफीफा से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशील पर तशरीफ लाएं और मैं डॉक्टर सैफ से गुजारिश करता हूँ कि उनको मेडल पेश किया जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खम्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खम्मा मौलाना मुफीद साहब की काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह वंडरफुल परफॉर्मेंस मैं जनाब हाशम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मेडल पेश करें काकतिया मेडल आ जाइए आप पकड़िए बेटे मेडल सामने बताओ बेटे ये इसको बुलाना है जनाब मोहितुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मेडल पेश करें साजिद हुसैन प्लीज कम ऑन द डेस्क अब मैं जनाब मसीउद्दीन एडवोकेट साहब से उधर बताओ AIT मद्रास मी कूतुरु गाने वाले मीकु अवार्ड अब मैं जनाब मिस्टर लिंगनायक एंड द मदर ऑफ द स्टूडेंट will be stated with medals and certificate. Now I request Janab Jafar Saab, the educationalist, to come on the dais and present the medal to the Hakudarlu Talidal Dule medals. Navya, Papula Navya, IIT Madras. Idu pattona na. मैं गोल्ड मेडल पहनाएंगे और सर्टिफिकेट देंगे टीवी नेम टेक रईस साहब को मेडल पहनाए हैं जनाब रजुद्दीन एडवोकेट साहब सदर मजलिस नलगुंडा बहुत ही मेहनत से PhD में डॉक्टरेट हासिल किए मुलाजिमत करते हुए मुलाजिमत की मसरूफियत के बावजूद उमर साहब ये मौलाना अबू बकर साहब के वालिद हैं और PhD थीसिस के बारे में आपका थीसिस एक लाइन बोली कौशे थे PhD अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद उमर है मैं नलगुंडा उद्यान लाइब्रेरियन हूँ मैं और आंध्र से विशाखपट्टनम से PhD हासिल किया हूँ मैं कि PhD आगे एम्प्लॉयज राइट होती है हर एम्प्लॉय का भी ना वो कंट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं दो कंसल्टेंट एम्प्लॉय हैं दो या तो परमानेंट एम्प्लॉय हैं दो हर साल हर महीना उसके तनख्वाह में से 12% काट कर उसको और 12% ऐड करें गवर्नमेंट में डिपार्ट करना पड़ता रिटायरमेंट के वक्त 24% एम्प्लॉय के उनके पेंशन के तहत पेंशन भी दिया जाता है जो डिपार्ट करे है रिटर्न भी कर सकता है बहुत बड़ा ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं इसको ये पेंशन जिस गवर्नमेंट्स क्या है अपने तनख्वाह में से डिडक्ट करने के बाद वो रिटर्न करते हैं लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया जो पेंशन है बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह हर एक को भी डिडक्ट करना पड़ता है किसी को अगर डिडक्ट नहीं करते उसका राइट खो गया सा होता है इंशाल्लाह इसके वास्ते हर एक डिस्टेंस पर रहने की वजह से बहुत दूर जाना आना की वजह से मैं लेट हुआ
जब्बार साहब एडवोकेट जिन्होंने लॉ से पीएचडी हासिल की है, उनसे एजुकेशन पे हासिल की है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डैश पे आए। और ये एजुकेशनलिस्ट भी है, बीएड कॉलेजेस के ओनर है और अपने तालीमी इदारों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मदद करें इन्हों, और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स आज गवर्नमेंट एम्प्लाइज भी है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हेलो सर, तालियां मारो भाई, उसका कोई चार्ज तो जाना। हमारे सदर साहब, हमारा एडवोकेट साहब, साथी एडवोकेट को भी खूब मुबारकबाद देते हुए, ये कमेटी का ये रोल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्वालिटी पर्सन को यहाँ पर लेकर आने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हलकरम से ये काम ऐसे आगे बढ़ते चले जाए। कई लोगों के अंदर भी ये जो है, हम ये संदेश ये देना चाह रहे हैं हर एक के लिए भी, ये MIM प्रोग्राम ये काम जो कर रहे हर एक के लिए भी ये आइडियल नमूना बनकर ये पर ये काम चलते जा रहा है। ऐसे कामों के डेवलपमेंट के लिए आपको हम हमेशा हम साथ भी दे रहे हैं। ये जो टॉपिक मैं PhD के अंदर कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर एब्सेंटिज्म इन टू अचीविंग क्वालिटी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल, स्पेशल रेफरेंस टू तेलंगाना इन नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में दिया। मैं क्वालिटी एजुकेशन की कमी रहने के वजह से, टीचर्स के एब्सेंटिज्म रहने के वजह से, टीचर स्कूल को जाकर भी बच्चों को तालीम नहीं देने के वजह से बच्चों के दिल में टीचर एब्सेंट हो जाता है। टीचर जाता लेकिन टीचर बच्चों को पढ़ाता नहीं, वैसे लोगों को भी एब्सेंट में ट्रीट करके ये क्वालिटी एजुकेशन पे करा। मैं पूरे क्यों बच्चे ड्रॉपआउट हो रहे, 2009 से लेकर 2014 तक ये वर्क काम करा। मैं ये बीच में कोरोना पीरियड में नहीं सब्जी ले लिया, बाद में ये हासिल करा। मैं तो इसके अंदर बता रहे क्या है बोलते हो, लोगों को दिल खोल कर आप जो है मन से, आपके दिल से आप ये सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपके सब्जेक्ट के अंदर आप परफेक्ट एफिशिएंट पर्सन बनेंगे, इंशाल्लाह दुनिया के अंदर आप टॉपर बन जा सकते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं कर सकते, आपके खुद आप कॉम्पीट होना, मेरे लड़के भी वही बताता मैं, डोंट कॉम्पीट विद अदर्स, यू शुड कॉम्पीट विद यूर सेल्फ ओनली, देन ओनली यू विल गेट सक्सेस। ये जिंदगी में हमें पता है कि आज ये मंच पे हम जो सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, ये सर्टिफिकेट का मकसद नहीं, हमारे गोल के लिए हम जो मेहनत करना, और हमारे जो भी ये ब्रदर एंड जितने भी लोग रहते हैं उनको हम आइडियल बनकर उनको हिम्मत अफजाई देते हुए हम साथ अगर देंगे हमारे जो सर्टिफिकेटर। और अभी मेरी इनकी दफ्तर मेरी बहन जी को भी अभी MBBS के दो उसके एडमिशन के लिए अवार्ड दिया। मैं डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अवार्ड पेश करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पे मौजूद तमाम रुफा और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ज़िला कमेटी के सदर मोहम्मद रज़ियुद्दीन एडवोकेट और हाजरीन व नाजरीन, तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप लोग सब ताउन फरमाएं। और ये पहली बार ज़िले की तरफ से हुआ ज़िले सतह पर के नीट और इंजीनियरिंग में जो फ्री सीट हासिल किए हैं तुलबा और तालिबात, माइनॉरिटीज़ और नॉन माइनॉरिटीज़, उनको हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मेडल और सर्टिफिकेट अता किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस कार्य खैर में मजलिस के सदर कमेटी और तमाम रुफा ने जो मेहनत की है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ में ये भी गुजारिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनाकिद करके तुलबा तालिबात की हौसला अफजाई की जाएगी, और ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज़िला अजला में बहुत ही कम सहूलियात मैसर हैं, तो उस तरफ ख़ास तवज्जो देने की गुजारिश करती हूँ। किसी भी कोचिंग के लिए उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को सहूलियात मैसर नहीं है, इसलिए नीट के लिए भी फ्री कोचिंग का इंतज़ाम अगर किया जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कई ऐसे स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो दूर जाकर या शहर जाकर
कोचिंग हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो पा रहा है, उनके भी वालदैन दिल में एक आस और उम्मीद लिए हुए रहते हैं, और बाद गरीब तुलबा तालिबात भी हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मैं उर्दू मीडियम में बरसर रोज़ और लिटरेसी पावर भी आगे बढ़ेगा और कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में भी आगाही नहीं है, वो लोग भी मालूम हासिल कर लें। जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उस पर रब्ता करके अपने जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो गुरबा है, फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो कार्य खैर आज अंजाम दिया गया है वो बहुत ही खुशाइन है, और मुस्तकबिल में ऐसे तमाम प्रोग्राम्स मुनक्किद करके तुलबा की हौसला अफजाई की जाएगी। बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं, तो बहुत कम उम्र में पुलिस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की जॉब पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुए, और मैं जरा मुस्तफ़ा खान साहब एडवोकेट से गुजारिश करता हूँ कि वो मेडल पेश करें। जरा मुस्तफ़ा खान साहब एडवोकेट नालंदा। कैटेगरी में शेख जावेद साहब को मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने वालिद साहब के साथ तशरीफ लाएं। ये लड़का टिमरिस गवर्नमेंट स्कूल और टिमरिस जूनियर कॉलेज से पढ़कर मिलिट्री में टेक्निकल कैडर में जो है जॉब हासिल किए, और मैं जनाब अशरफ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मेडल पेश करें। आर्मी डिफेंस देश की रक्षा के लिए माशाल्लाह हमारे नौजवान आगे बढ़े। मैं एडमिशन BDS में जिनका होने लगे की लड़की, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लाए शहनशीन पे आए, और मेरा साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी तशरीफ लाएँ। और अब मैं जनाब जुनेद हाशमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेडल पेश करें। सदर साहब इधर देखिए सर। सिराज साहब से गुजारिश करता हूँ, मौलन साहब से और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर के उनको मेडल पेश किया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नालगुंडा में MSc बायोकेमिस्ट्री में प्री सीट हासिल करने वाले अमतुल माफे से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन के लाए तशरीफ लाए, और उनके वालिद साहब से भी गुजारिश करता हूँ, जरा उद्दीन नजीम भाई से गुजारिश करता हूँ। इंशाल्लाह PhD करेंगे बेटा, PhD के मतलब PhD पे तशरीफ लाए, मेडल पेश करने जाओ। जनाब जाफर साहब की लड़की जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सिविल सर्जन के हैसियत से अपॉइंट हुई है, उनको students, upcoming students of medicals, and I request her to explain the experience. Alhamdulillah, all present praise and almighty to God has given me the opportunity. Myself, my name is Ejaz Ikhtiar Sayed. I am daughter of Sayed Jafar.
and I feel really blessed to achieve this award. I'm working as a medical officer in Tirupati. Present before I worked in PNC Maniam Charka. So I'm appointed as a civil assistant surgeon. I completed my MBBS in Kamini, Nagetpally. To all the students, all the MBBS graduates who got the seats, and all the engineering students, hearty congratulations to all of you. Really lucky to get this. I'm feeling so many seats and so many Muslim girls have been come forward to have this achievement. It's very good. You guys are like, अच्छा लग रहा है मुझे सब कुछ आप सब लोगों को देख के. डॉक्टर बनने के बाद प्लीज आप सर्विसेज. मेरा मोटो था लाइक माय पेरेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पेरेंट्स के एक ही थी कि सोशल सर्विस ज़्यादा करें बेसिकली टू बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी एंड आई डिड लाइक दैट एंड इट्स वेरी टफ कमिंग टू दिस एट दिस पॉइंट टू बी सेल्फलेस एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी टू सर्व द पूर. We first we should have an intention to be helpful to the society. Like that, I did my job and I did my service. Thank you for all for recognition me and to giving me this opportunity. And thank you to all the respected juries present here. Thank you so much. Thank you, and I wish all the future generations all the best. Thank you so much. And I this getting this award from my father is really blessing to me. I like to thank this stage, and I do thank all this success have been achieved through my parents and the blessings of Almighty. I wish all of you be humble, be selfless, and be served to the humanity. That's all I can say. That's all we can do. And let me tell you, we are like girls, not are bad. Like girls can do so much. Okay, to the world, to the girl power. Okay, thank you so much. Thank you so much for this giving. Now I request Dr. Firdaus Tarakhanda, medical officer, assistant civil surgeon, appointed as at Hindugura Tiparti, to come on the dais and receive the medal. Now I request Janab Ghulam Jilani Sahab, a senior citizen, senior football president of Football Association president, to come on the dais and present the medal to the achiever. I request Jilani Sahab to please join the dais. मेडल यार हेलो फोना है award, and also along because there are many medical students who have got in Usmania and Gandhi. Very very hearty congratulations to all of you too. It is such a big task, and coming from a place like Nalgonda town, people don't recognize our strength and our value, and especially people don't believe in girls much, and not even educating them to this level कि डिग्री भी पार करे जाए डिग्री को भी पढ़ाना गर्ल्स के लिए थोड़ा दे डोंट रियली पुश अस फॉरवर्ड टू हैव दिस एजुकेशन बट लड़कियों को भी पढ़ाना लड़कियों को भी आगे देना ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाना हैविंग दिस स्टेज हैविंग दिस रिकग्निशन इज सो मच वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो इस बात के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि आगे ऐसे बिकॉज ऑफ दिस रिकग्निशंस एंड दिस काइंड ऑफ स्टेजेस आई थिंक पीपल विल गेट मोटिवेटेड अ लॉट लड़कियाँ भी आगे बहुत मोटिवेट होंगी एंड आई होप आई सी मच मोर स्ट्रेंथ गर्ल्स इन ऑल ऑफ द एजुकेशन इन एवरी एजुकेशन फील्ड इन एन एवरी जॉब सेक्टर फील्ड सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस और सबसे बड़ा जो भी मैं यहाँ पे अचीव कर पाई चाहे वो मेरी दीदी हो या मैं हूँ आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय
फादर। अगर हमारे डैड इतने स्ट्रिक्ट ना होते तो हम भी पढ़ाई में इतना हमारा टैलेंट हम इतना पहचान नहीं पाते थे शायद। सो इट्स ऑलवेज पेरेंट्स हु शुड बिलीव इन देयर चिल्ड्रन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो हैविंग योर पेरेंट्स सपोर्ट इज सच अ ब्लेसिंग। और ऐसे माँ बाप हमें हैं, ऐसे पापा हमारे पास है, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। This award and I thank my mama and papa for this opportunity to crack NEET and giving this opportunity. So I thank everyone and thank you. बहुत ही खुशी का मौका है कि हम लोग यहाँ पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मेडल्स और अवार्ड्स और मेरिट ऑफ अप्रिसिएशन पेश किए और पूरे तमाम स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। और खुसूसी बात यह है कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जो टिमरेज गुरुकुला स्कूल्स है, वो स्कूल के दो बच्चे बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट किए हैं, जिसमें से एक मोहम्मद परवेज है जिन्होंने नलगुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल की, और शेख जावेद है जिन्होंने डिफेंस में फ्री जॉब हासिल की। और वो दोनों अपने अपने तजुर्बात और एक्सपीरियंस आपको बताना चाहते हैं ताकि टिमरेज का नाम रोशन रहे उसमें और बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं टेमरी स्कूल SLBC नलगोंडा टेमरी स्कूल से हूँ। मैं डिफेंस अकेडमी आर्मी जॉब में सेलेक्ट हुआ हूँ क्योंकि ये ग्राउंड वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस आर्मी। ग्राउंड एंड वर्क स्टडी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। पेरेंट्स सो सपोर्ट मी। पेरेंट्स एनीथिंग इज पेरेंट्स से होता है। और हमारे सर अशरफ सर भी और ग्राउंड वर्क करा है, हमारे फरीद सर भी और हमारे सेक्रेटरी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप यहाँ पर आके मेडल MIM पार्टी से मैं हमारे को इंट्रोड्यूस करा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिविंग दिस मेडल्स एंड सर्टिफिकेट। अस्सलाम वालेकुम, मैसेल्फ मोहम्मद परवेज फ्रॉम बालनगर TMRS जूनियर कॉलेज। I have got MBBS seat in GMC Nalgonda, one of the top 10 college of Telangana. I want to thank to Shafiullah sir who supported us. He gave an opportunity to write a NEET exam. We are qualified in NEET and I got in GMC Nalgonda seat. I want to thank special thank to Honorable Chief Minister sir, KCR sir. They gave an opportunity to study this and I'm thankful for good here. Okay. Thank you. आप यहाँ पर MIM वाले ने आपको पहचान कर एंड MIM पार्टी सपोर्टेड मी एंड फेलिसिटेटेड मी विद द मेडल एंड द सर्टिफिकेट एंड आई एम थैंकफुल फॉर MIM पार्टी एंड असद अवीज सर। एंड नलगुंडा जिले के दो लड़कियां मुस्लिम तबके के और जनाब जाफर साहब के लड़कियां, इन्होंने अपने मेडिकल कोर्स को कंप्लीट किया विद इमीडिएट इफेक्ट। वो लोग को असिस्टेंट सिविल सर्जन मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट गवर्नमेंट से हासिल हुआ, इसके लिए इन लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनकी मेहनत का नतीजा और इनके वालदेन का सपोर्ट की वजह से आज जो मुकाम हासिल हुआ, इसको कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रिकॉग्नाइज करके हम लोग ये लोग को आज मेडल्स और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से नवाजे हैं, जिसकी हिदायत हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिली कि इस तरह के प्रोग्राम कर तलबा व तालिबात में और जितने भी लोग अचीव कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स वगैरह, और खुसूसन ये लड़कियाँ अपनी मेहनत से जो गवर्नमेंट डॉक्टरी की जॉब हासिल करे हैं, इनको फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से अब उनसे गुजारिश करते हैं कि दो अल्फाज बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मायसेल्फ डॉक्टर इख्तियार, आई एम सिविल असिस्टेंट सर्जन वर्किंग इन तिप्परती मंड PHC इन नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट। I really thank you. Really thankful for the really appreciation award given by AIM and the team and jury presented here. I think this award really helped me a lot to improving my selfless motivation, to encouraging me in the future purposes. And I'm really thankful and blissful to this kind of merit awards. And I think this awards can give a really encourage to the upcoming future generation people to really to do hard work and to do selfless to the society. And thank you MIM team and the jury who has presented me and recognized me for all my efforts. And I'm really blessed and I really thank my parents for all their efforts given to me. And I really thank Almighty for this services rendering. Here from itself, from Nalgunda to get recognition, I feel really feel very blessed and humble.
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को अवार्ड देके, हमारे लिए रिकॉग्निशन है, बहुत बड़ी बात है। और नलगुंडा से हम लोग मेडिकल स्टूडेंट से हमारे MBBS कंप्लीट करके फिर गवर्नमेंट जॉब में हासिल करके मेडिकल ऑफिसर के तरह हम लोग PHC में काम कर रहे हैं। इस चीज के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने हमारे इतना सपोर्ट दिया है और MIM और जो भी टीम है हमारे लिए इतना रिकॉग्निशन दे रही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए सब कुछ दिखाना और उनके लिए आगे फ्यूचर में सबके लिए बहुत अच्छा एंकरेजमेंट रहेगा। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आगे और लड़कियाँ पढ़ाई में आगे बढ़े और मेडिकल स्टूडेंट्स बने, डॉक्टर्स बने, मेडिकल ऑफिसर्स बने। ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ అధ్యక్షులైనటువంటి MD రజియుద్దీన్ గారు అడ్వకేటు మరియు అతని యొక్క కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ నల్గొండ జిల్లాలో ఏదైతే అన్ని రంగాల్లో చెందినటువంటి విద్యార్థులు కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఉన్నత స్థాయిలో చదివినటువంటి డాక్టరేట్లు కూడా చదివినటువంటి విద్యార్థులు, తర్వాత అదేవిధంగా పెద్దలు, అదేవిధంగా కొంతమంది డాక్టర్ అడ్మిషన్స్ ఇంజనీరింగ్ IIT కూడా చదివినటువంటి విద్యార్థులకు ఈరోజు ప్రశంసలు అంటే మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ తరఫున వాళ్ళు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ సభాస్థలంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. లతీఫుల్లా షా ఖాద్రి హజరత్ సయ్యద్ లతీఫుల్లా షా ఖాద్రి యొక్క దర్గా దగ్గర ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కనీసము 35 మంది విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటి ప్రశంసలు అనేటువంటి అందుకున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా నా ఇద్దరు కుమార్తెలైనటువంటి డాక్టర్ ఎజాజ్ ఎఖ్తియార్ PSC తిప్పర్తి మెడికల్ ఆఫీసర్, అదేవిధంగా డాక్టర్ ఫిర్దోస్ ఫర్హందా ఇందుగుల సబ్ సెంటర్ PSC తిప్పర్తి మండలం, వీళ్ళిద్దరూ అసిస్టెంట్ సివిల్ సర్జన్ గా ఎన్నికై ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ యొక్క కమిటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ అధ్యక్షత, వారి కమిటీ సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ ప్రశంసలు మా ఇద్దరు అమ్మాయిలకి గోల్డ్ మెడల్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. కాబట్టి దయచేసి ఇటువంటి కార్యక్రమం అనేటువంటిది చాలా జరగాలి, ఎందుకంటే విద్యార్థులకు అనేటువంటిది చాలా మంది విద్యార్థులకు మోటివేషన్ ప్రేరణ కోసం ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటి ఇంతవరకు ఎవరు కూడా చేయలేదు. అటువంటి కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఇక్కడ నల్గొండ జిల్లాలో MIM తరఫున ఈ విధంగా జరగటం అనేటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి దయచేసి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రశంసలు, ఈ యొక్క గోల్డ్ మెడల్ అనేటువంటిది వచ్చారు కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి కూడా తన యొక్క భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా రాణించాలి, ఎలా రాణించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహం ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ విధంగా గైడ్గా ఎట్లయితే మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఆర్గనైజేషన్ చేశారో ఆ విధంగా ఆర్గనైజేషన్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రశంసలు పొందినటువంటి విద్యార్థులకు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఒక ఇంతియాజంగా आप भी हाथ लगाइए, हमें सभी बहनों से जो भी अवार्ड मेडल्स हासिल किए हैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए. मेडल्स ऐसा आगे बताइए ना मैडम, बच्चों मेडल्स तो अपने मेडल्स ऐसा आगे बताइए. इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा काल, इसी तरह हम लोग स्कॉलरशिप के भी है उससे अवेयरनेस देंगे उसके पूरे प्रोसेस में. तमाम स्टूडेंट्स को इसका एक लिंक है.
और एक स्कॉलरशिप 50,000 का है, तो यहाँ पे अभी अचीवर्स है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे हम लोग कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा जिला की तरफ से यहाँ पे आज एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं, जिसमें तमाम अचीवर्स, मेरिट होल्डर्स, तमाम MBBS, BDS, MSc, MCA, IIT, NIIT, JEE Mains और डिफेंस और दीगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट नौकरी हासिल करने वालों को, तमाम मेरिट होल्डर्स को हम लोग यहाँ पर इकट्ठा किए और यहाँ पे हम उनको मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजें और तमाम स्टूडेंट्स को 2.5 लाख और 1 लाख की स्कॉलरशिप्स को कैसे अप्लाई करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वो उसकी फैसिलिटी हासिल है, इस तमाम चीजों की शौर बेदारी दिए और मेडल से उनको नवाजा गया। तमाम पेरेंट्स के साथ जितने भी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है यहाँ पे शामिल हुए इस प्रोग्राम में, बहुत ही खुशी और मसर्रत का माहौल रहा। नलगुंडे के दीगर सीनियर सिटीजन्स, तजुर्बेकार लोग सब यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने अपनी दुआओं से उनको नवाजा और बच्चों के अंदर बहुत ही हिम्मत अफजाई का माहौल बना रहा। बहरहाल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा की जानिब से हमने तालीमी मियार से तमाम तुलबा और तालिबात को और आने वाले जनरेशन्स में किस तरह की कामयाबी हासिल करना है, किस तरह जिद्दोजहद कर बुलंदियों तक पहुंचना है, इसके लिए हमारी कोशिश रही और इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुनक्किद करने के लिए गुज़िश्ता 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के सभी रफ़का, खुसूसन जनाब गौस मोहम्मद साहब और जनाब मुदस्सिर मोहसिन साहब, अब्दुल मलिक साहब, कुम्मू शंकर साहब, फैया भाई और जो मौलाना अब्दुल बिलाल साहब, सिराज साहब और हाशम साहब, गौसुद्दीन हाशम साहब, ये तमाम लोग यहाँ पे मेहनत किए और इसकी मेहनत का नतीजा इतने तुलबा और तालिबात के जरिए उनके जिंदगियों में खुशी का और हिम्मत अफजाई का मामला रहा। और आगे चल के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे इस तरह के खिदमात स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्सेज कंप्लीट कर बेरोजगारी में हैं, उनको हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट का हासिल करना है, उस तरह के शौर बेदारी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने का भी इंशाल्लाह हमने प्रोग्राम यहाँ से बनाया है। और इस सारे खैर में बहुत सारे नलगुंडे के लोग, नौजवान तबका, बुजुर्गान दीन का तबका, सब लोग शामिल होकर मजलिस के साथ चाना बचाना साथ दे रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है जमात की तरक्की के लिए। और आइंदा इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह, बहुत ही कम अरसे में जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए भी हम लोग रफ्ता प्रोग्राम्स करेंगे और इसके जरिए इस्तेफादा हासिल करने के लिए आवाम से अपील करेंगे। जज़ाकअल्लाहु खैर, अस्सलाम।